व्हाट्स अप लवली पीपल, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर सबका हमारे इस चैनल में। आज के वीडियो में हम कुछ डरावनी फुटेजेस देखने वाले हैं जो दुनिया भर से अलग अलग लोगों ने अपने कैमराज में कैप्चर की थी। इसमें से कुछ फुटेजेस बहुत ज्यादा भयानक भी हैं। कुछ लोगों ने ऐसी चीजें देखी जो वो खुद एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि आखिर ये क्या हो सकता है। तो चलिए करते हैं इस धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो काइंडली हिट द सब्सक्राइब बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर ऑल फ्रेंड्स। ये वीडियो अल्जीरिया से आया है। यहाँ पर कुछ दोस्तों ने मिलकर सोचा कि एक भूतिया जगह को हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। ये लोग यहाँ पर पहुँच तो गए हैं लेकिन इनकी आवाजें सुनकर लगता है कि ये काफी डरे हुए हैं। देखते हैं आखिर आगे इनके साथ क्या होता है। ऐसा लगता है मानो सामने वाली दीवार के पीछे इन्हें कोई चीज नजर आई है और ये उसी की तलाश में यहाँ पर जुटे हुए हैं। और एक डरावनी चीज इनके कैमरा में रिकॉर्ड भी होती है। अगर हम इस फ्रेम को रोक कर देखें तो दीवार के पीछे से एक परछाई झांकती हुई नजर आती है और शायद यही चीज थी जिसे देखने के बाद ये सारे ही लोग यहाँ से भाग खड़े हुए। इस वीडियो के बारे में आपका क्या विचार है आप कमेंट में बता सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। ये वीडियो अपलोड किया है साउलो ब्रेनर ने और ये कब्रिस्तान का फुटेज है जो कि ब्राजील से आया है और वो दावा करते हैं कि यहाँ पर उनके कैमरा ने एक भूत को रिकॉर्ड किया है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कब्रिस्तान बिल्कुल सुनसान नजर आता है, वहां पर कोई भी नहीं है, बट फिर भी एक परछाई जाती हुई नजर आ रही है और कैमरा ने भी इसे साफ साफ रिकॉर्ड किया है। ये वीडियो साउथ कोरिया से आया है और यहाँ की एक घोस्ट हंटर जो कि एक लड़की है वो अलग अलग जगहों पर जाकर भूतों का पता लगाती है। आज वो एक एडवेंचर पर आई हुई है और उसी की वीडियो अभी अभी हम देख रहे हैं। आइए देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। ये लड़की सुनसान पड़ी हुई बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाती है और जैसे ही एंट्री लेती है तभी से इसके मीटर के सिग्नल ऑन हो जाते हैं और जब ये आगे बढ़ती है तो बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब चीजें इसका कैमरा रिकॉर्ड भी करता है। आइए नजर डालते हैं। इसके बाद ये एक भूतिया चेहरा रिकॉर्ड करती है जो कि ऐसा लगता है मानो हंस रहा हो। फिर जब ये इस घर के बेसमेंट में पहुंचती है तो इसका घोस्ट हंटिंग मीटर बहुत तेज तेज जलने लगता है। ऊपर इसको एक पेंटिंग भी नजर आती है जो कि बहुत ज्यादा क्रीपी लगती है। ये घर, ये पेंटिंग, सब कुछ इसको डरावना लगता है। वो ये कहते हुए इस जगह से वापस लौटती है कि अब मैं इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। हम नहीं जानते कि आखिर इस पेंटिंग में ऐसा उसको क्या दिखा, क्या ये वाकई में एक भूतिया पेंटिंग है। पेंटिंग को ध्यान से देखने पर ऐसा नजर आता है कि एक बंदा अपना जो ढाल है उसको हवा में उठाए हुए है, उसके आगे एक पोडियम लगा है और एक बंदा उसके आगे झुका हुआ है। इसमें सिर्फ इतना ही समझ आता है। एक चीज और उसे यहाँ पर दिखाई देती है जिसके बाद वो काफी डर जाती है, हालांकि ये क्या लिखा है हमें समझ नहीं आ रहा। ये रशिया का एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है जिसका नाम है डार्क मिस्टिक। जंगल में सुनसान पड़े हुए एक कॉटेज का आज ये जायजा लेने पहुंचा है। आइए देखते हैं इसके साथ यहाँ क्या होता है। इस पूरी जगह का ये बारीकी से जायजा लेना स्टार्ट करता है और ये पता लगाना चाहता है कि आखिर क्या चीज है जो इस जगह को भूतिया बनाती है। यहाँ पर एक कमरे में उसे बहुत सारे न्यूज़पेपर की कटिंग चिपकी हुई नजर आती है। ये बहुत ही केयरफुल तरीके से चिपकाई गई कटिंग्स हैं। ये इन कटिंग्स को देखकर काफी ज्यादा हैरान और परेशान हो जाता है क्योंकि ये बहुत अच्छे तरीके से चिपकाई गई है। आखिर ऐसा कौन कर सकता है, यही सवाल इसके दिमाग में घूम रहा होता है क्योंकि अक्सर ऐसा सीरियल किलर्स भी करते हैं। फिर उसका कैमरा किसी के खांसने की आवाज रिकॉर्ड करता है।
उसे लगता है मानो किसी ने खांसा हो, लेकिन पलट कर देखने पर वहां उसे कोई नजर नहीं आता। और जब वो ऊपर जाता है तो ये घटनाएं और तेज होने लगती हैं। उसको आवाजें आती रहती हैं कि कोई चीजें फेंक रहा है, लेकिन देखने पर उसे कोई नजर नहीं आता। ये सारी चीजें यहाँ पर होती रहती हैं, सबके बावजूद ये बंदा आगे बढ़ता रहता है। कई बार इसके ऊपर ऐसा लगता है कि कोई अटैक भी कर रहा है, लेकिन फिर भी ये डरता नहीं है। पर जब ये आगे बढ़ता है तो एक जगह पर इसे डरावनी चीज नजर आ भी जाती है। एक दरवाजे के पीछे से एक परछाई झांकती हुई से नजर आती है। ये वीडियो अपलोड किया है दीपक सिंह पुंदिर ने। एक नॉर्मल सी बॉटल भला कैसे डरावनी हो सकती है? दरअसल यहाँ पर एक बॉटल रखी है जो कि अपने आप ही मूवमेंट करती हुई नजर आ रही है। और कमाल की बात यह है कि ये जब बंदा उस बॉटल की तरफ देखता है तब वो हिलते डुलते नहीं है, और जब इसका ध्यान इधर उधर होता है तब ये मूवमेंट करती है। इसे देखकर शायद हम ये सोच सकते हैं कि ये काउंटर गीला होगा जिसकी वजह से ये बॉटल खसक रही है। लेकिन अगर ये गीला था और ये रीजन था तो ये बॉटल तब क्यों रुक जाती है जब ये बंदा इस बॉटल की तरफ देखता है? इस वीडियो को देखने के बाद क्या हमें ये मान लेना चाहिए कि ये बंदा एक ऐसी बिल्डिंग में काम करता है जो कि हॉन्टेड है, जो कि भूतिया है? आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। आइए देखते हैं नेक्स्ट। ये वीडियो रात के टाइम का है, जबकि एक बंदा ब्रिज के ऊपर से गुजर रहा था, तभी उसके कैमरा ने इस परछाई को कैप्चर किया है जो कि देखने में बिल्कुल किसी इंसान जैसी नजर आती है। हालांकि यहाँ पर विजिबिलिटी इतनी साफ तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम समझ सकते हैं। इस ब्रिज के पीछे की स्टोरी ये बताई जाती है कि यहाँ पर कई एक्सीडेंट हो चुके हैं और कई लोग अपनी जानें इस ब्रिज पर ही गंवा चुके हैं। तो क्या ये उन्हीं में से किसी की आत्मा थी जो इस बंदे को यहाँ पर नजर आई थी? आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। ये फुटेज बहुत ही ज्यादा अजीब है। रात के टाइम किसी जंगल की ये फुटेज है। आप देख सकते हैं सामने दीवार है या पेड़ है वो तो समझ नहीं आ रहा, लेकिन उसके पीछे से एक परछाई झांकती हुई नजर आती है। जिस बंदे ने इसको कैप्चर किया है वो बोलता है कि या तो ये कोई डायन है या फिर कोई भूत है। अगर इस परछाई के ऊपर ध्यान दिया जाए तो साफ साफ नजर आता है कि इंसान जैसी ही ये कोई आकृति है जो वहां से झांकती हुई नजर आ रही है, लेकिन ये एक परछाई है। ये वीडियो दिमाग में बहुत सारे सवाल पैदा करती है, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज भी करती है, क्योंकि पहले तो ये वीडियो कहाँ से आया है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती, और आखिर ये क्या चीज़ थी वो तो उससे भी बड़ा एक सवाल है। आपको क्या लगता है ये क्या चीज़ हो सकती है कमेंट करके ज़रूर बताएं। आइए देखते हैं नेक्स्ट। आजकल मानो एक ट्रेंड सा चल गया है, लोग ग्रुप्स में जंगलों में जाते हैं, कैंपिंग करते हैं, रात वहीं बिताते हैं और साथ में जो उनका एडवेंचर है उसको शूट भी करते हैं। लेकिन इन लड़कों के साथ में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई, क्योंकि इनके कैमरा ने एक बहुत ही ज़्यादा विचित्र आकृति को कैप्चर किया है। आइए नज़र डालते हैं। आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना होगा वरना आप उस चीज़ को मिस भी कर सकते हैं। जैसे ही कैमरा पैन करता है तब हमें जंगल में झाड़ियों में एक आदमी जैसी आकृति खड़ी हुई नजर आती है। देखने में ये आकृति पूरी तरह से सफेद नजर आ रही है, और जब कैमरा वापस रिवर्स आता है तब तक वो चीज वहां से गायब हो चुकी होती है। यानी कि ये पूरा मामला सिर्फ एक सेकंड था और एक सेकंड के लिए वो चीज दिखाई दी थी। अब सवाल ये उठता है कि इन बंदों का कहना है कि वो जो भी आकृति थी वो हमारे साथ नहीं था,
यानी कि वो इनका कोई दोस्त नहीं था, तो भला फिर वो क्या चीज थी? आपको क्या लगता है, क्या जंगलों में भी भूत भटकते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ आज का हमारा वीडियो भी यहीं पर खत्म होता है, जहां पर हमने देखी कुछ डरावनी वीडियोस, कुछ भूतिया फुटेजेस। आशा करता हूं कि ये पूरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने सारे ही सोशल नेटवर्क पर भी इसे शेयर कर दें। तो मिलेंगे अगले धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा।